नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस घरेलू खबर चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों आज मैं अपने इस वीडियो में ग्रहण से लेकर कुछ जरूरी बातें बताऊंगी। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जुलाई का महीना खगोल शास्त्रियों के साथ साथ ज्योतिष के हिसाब से भी बेहद खास माना जा रहा है। दरअसल इस साल 2 जुलाई 2019 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जबकि 17 जुलाई को चंद्र ग्रहण लग रहा है। इस हिसाब से केवल 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण लगने जा रहा है। 2 जुलाई को लगने जा रहा सूर्य ग्रहण भारत में नज़र नहीं आएगा, वहीं चंद्र ग्रहण भारत के साथ साथ कई दूसरे देशों में भी नज़र आएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का गर्भवती महिलाओं पर बुरा असर पड़ सकता है? ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा, सूतक नहीं लगेगा, फिर भी गर्भवती महिलाओं पर इस सूर्य ग्रहण का, जो कि 2 जुलाई को लगने वाला है, उसका असर पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं की कुंडली में ग्रहों के दोष असर डाल सकते हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, मैंने इस पर कई सारे वीडियो बनाए हैं। ज्योतिष के अनुसार 2 जुलाई को लगने वाले सूर्य ग्रहण के दौरान मिथुन राशि में राहु के आद्र नक्षत्र लग रहे हैं। वहीं हिंदू शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं की कुंडली में ग्रहों की दिशा बदल सकती है, जिससे उसके स्वास्थ्य और होने वाले बच्चे पर असर पड़ सकता है। इसलिए भले ही भारत में ग्रहण का सूतक न लग रहा हो, इसके बावजूद गर्भवती महिलाओं पर उनकी कुंडली और ग्रहों के अनुसार फर्क पड़ सकता है। 2 जुलाई को सूर्य ग्रहण 2019 पूर्व में चिली अर्जेंटीना में नजर आएगा। इसके अलावा ग्रहण शाम के समय पैसिफिक और दक्षिण अमेरिका, इक्वाडोर और ब्राजील समेत उरुग्वे में भी नजर आएगा। वहीं दूसरी ओर चंद्र ग्रहण 17 जुलाई को लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण 2019 भारत में नजर आएगा। खास बात यह है कि चंद्र ग्रहण का सूतक 16 जुलाई 2019 से, यानी एक दिन पहले से ही लग जाएगा। इसके बाद 16 जुलाई को आधी रात से आंशिक चंद्र ग्रहण लग जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी गर्भवती महिलाओं के लिए। आप अवश्य इस बातों को ध्यान में देंगे, मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे और सावधानियां अवश्य बरतेंगे। माता रानी आपका कल्याण करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। थैंक्स।